साल 2002 में एक मूवी बन रही थी, नाम था तुझे मेरी कसम। दो एक्टर को कास्ट किया गया था, एक एक्ट्रेस थी महज 16 साल की उम्र में और दूसरे एक्टर थे 25 साल के जो डेब्यू कर रहे थे। जो एक्टर डेब्यू कर रहे थे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे थे, नाम था रितेश देशमुख, और जो एक्ट्रेस थी वो थी जेनेलिया डिसूजा। इन दोनों की जोड़ी पहली बार एक साथ पर्दे पर आई और दोनों को प्यार हो गया। करीब 8-9 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, उसके बाद मैरिज कर ली और करीब 20-22 साल से दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन करीब 8-10 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। और जब उनके पति देव ने पहली मराठी मूवी डायरेक्ट करने का जिम्मा उठाया, तब जेनेलिया ने बतौर प्रोड्यूसर मराठी फिल्मों में डेब्यू किया और बतौर एक्ट्रेस भी वेट के जरिए वो डेब्यू कर रही हैं। तो रितेश और जेनेलिया की ये पहली मराठी मूवी है एजेंट कपल, और सलमान खान इस मूवी में स्पेशल तड़का लगाने के लिए अपना कैमियो, अपना डांस नंबर भी प्रेजेंट करेंगे, वो भी मराठी स्टाइल में, जिसकी फोटो भी लीक हो चुकी हैं। तो ये मूवी अपने आप में काफी एडवांस लेवल की है, बिकॉज यहाँ पर रितेश देशमुख बहुत ही इंटेंस, डिप्रेस, सेंसिटिव काइंड ऑफ रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि प्यार में मारा हुआ है, धोखा खाया हुआ है। और जेनेलिया का जो लुक आया है वो भी काफी मैच्योर है, अम्ब्रेला के नीचे है, साड़ी पहनी हुई है, और जो चुलबुली अंदाज के लिए जाने जाती है उससे थोड़ा डिफरेंट पार्ट प्ले कर रही है। मूवी इस बार थोड़ी इंटेंस है और प्यार में किस तरह से हम एक दूसरे को खो देते हैं और डिप्रेशन की गहराइयों में खो जाते हैं, वो इस मूवी की थीम है। और इस मूवी को थीम को देखकर सलमान खान की रियल लाइफ की लव स्टोरी याद आ जाती है, तो सलमान खान का एसोसिएशन तो इस मूवी को एक्स्ट्रा गोल्डन टच देगा ही। बट अच्छी बात यह है कि रितेश एज ए डायरेक्टर अपने कैरियर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मराठी सिनेमा से एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया है मुंबई सिनेमा, और मुंबई से उनको बेहद प्यार है। एक दौर था जब रितेश के ऊपर प्रेशर था उनके पिता का कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, बट रितेश ने चूज किया फिल्मी कैरियर। कई छोटे मोटे किरदार और कॉमेडी फिल्मों में साइड एक्टर का रोल करने के बाद उनको पहचान मिली मराठी मूवीज से। वहां पर लय भारी, मौली उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज थी, और अब वेड से भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं, बिकॉज वेड में 2-3 बड़ी चीजें होने वाली हैं। एक तो रितेश का अपना मराठी मानुस वाला अवतार पब्लिक को पसंद आ रहा है मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा उनकी वाइफ के साथ उनकी जोड़ी मराठी सिनेमा में पहली बार दिखेगी, और तीसरा सलमान खान का भी मराठी डेब्यू कुछ कम नहीं है। हालांकि उससे पहले मौली में काम कर चुके हैं, बट यहाँ पर उनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। मूवी इंटेंस है और लव स्टोरी है। मराठी सिनेमा में जब भी कोई ऐसी पिक्चर बनती है काफी अवार्ड विनिंग मूवी बनती है। उम्मीद करते हैं सलमान खान का गोल्डन टच रितेश की मूवी को फायदा पहुंचाए और रितेश मराठी सिनेमा के उस लेवल को मेंटेन रख पाए जिसके लिए मराठी सिनेमा जाना जाता है। वहां पर फिल्में मसाला चालू कम बनती हैं, इंटेंस स्टोरी पर बनती हैं। तो रितेश मैच्योर दिख रहे हैं, उनकी वाइफ मैच्योर दिख रही हैं, सलमान खान का टच भी पब्लिसिटी के लिए काफी काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं वेड अपने सही स्ट्रोक पर जाएगी, और जैसे कि जेनेलिया रितेश की मूवी मिस्टर मम्मी फ्लॉप हो चुकी हिंदी में, वैसा हासिल रिपीट नहीं करेगी बल्कि मराठी सिनेमा में उनकी इज्जतदार एंट्री कराएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।